गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ना कितने जोरों की धूप खिल रखी है। तो देखिए भाई, सुबह सुबह ही ना सूरज इतने ऊपर आ रखे हैं और अभी ना चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि दिन के 2-3 बज रहे हैं। तो अभी ना ये वाला महीना जो होता है हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर काम का महीना होता है। मतलब इस महीने में हम अपना जितना भी अनाज होता है, धान हो गया, मक्की हो गया, वो सब निकालते हैं। तो साथ ही साथ ये जो भी घास के फाट है तो उनको हमें खाली करना होता है। तो अभी ना पूरा महीना मैक्सिमम यही धूप लगने वाली होती है। तो आज से मैं भी मक्की निकालना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए भाई, मैंने अपनी सभी गाय को ना बार बांध दिया है और यहाँ पर ना अच्छे से छाया भी है इस वाले जापानी के पेड़ की। तो अभी मुझे जाना है अपने खेतों में मक्की निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी उस वाले खेत में मक्की निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना एक ही खेत है और इसमें थोड़ी सी मक्की है, तो इसको निकाल के लाऊंगी मैं। फिर उसके बाद मुझे जाना है उस वाले साइड। तो चलिए भाई, चलते हैं जल्दी से। तो आज मैंने ना काफ़ी दिनों के बाद बांधा है अपनी गाय वगैरह को बाहर, क्योंकि यहाँ पर ना छाया है। तो अभी सुबह सुबह इतने मक्खी मच्छर जो है नहीं होंगे, तो मैं आ जाऊँगी जल्दी से, फिर इनको मैं नहला के बांध दूंगी अंदर। तो देखिए भाई, अभी मुझे ये वाला खेत है निकालने के लिए और अभी कुछ इतनी काटी है मैंने। तो अभी ना ये वाला खेत एक किया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि हमने ना इनके बीच में से जल्दी जल्दी फटाफट घास काट लिया था टाइम से। तो अब ना यहाँ पर केवल ये फालतू वाला घास ही हो रखा है, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा, नहीं तो इसका बीज पड़ जाएगा। अभी हम इन वाले खेतों में आए मक्की निकालने के लिए। तो अभी ये ऊपर वाला खेत किया है इन भाई लोगों ने, तो यहाँ पर आए हैं नेपाली मक्की निकालने के लिए। तो अभी ना ये वाला हमने काट के रख दिया है और अभी काटेंगे हम इस वाले खेत को फिर यहाँ से। और धूप देखिए भैया, आप कितने जोरों की धूप लग रखी है आज, तो एक भी बादल नहीं है आसमान में, इतू सा भी बादल नहीं है, छोटा सा भी। अभी मैंने दो और खेत निकाल दिए हैं यहाँ पर, काट के रख दिया मक्की। और अभी ना मुझे बचते हैं एक ये वाला और इसके नीचे हैं तीन और खेत। तो चलिए अभी निकालते हैं जल्दी जल्दी से। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या ही बोलना। तो धूप के मारे ना मेरी तो हालत ही ख़राब हो रखी है। तो चलिए जी, अभी मेरे साहब जी भी पहुँच चुके हैं खेतों में और ना ये लाए हैं कुछ इतने बड़े बड़े एप्पल खाने के लिए। तो अभी ना मैं आज खेतों में खाना लेके नहीं आई हूँ, तो अभी देखते हैं एक एक बोरी लेके जाएंगे हम घर मक्की की, क्योंकि ना घर काफ़ी ज़्यादा दूर है।
अभी ना अर्जुन भी आ गया है खेतों में सीधा, और ये आज दोबारा से लाया है हमें ड्यू, लाया है पीने के लिए। और क्या लाया है अर्जुन साथ में? मिठाई। मिठाई लाया है? कौन सी मिठाई लाया है बता। तीन पीस है पूरे। बस छह पीस है। छह। मैं तेरे भरोसे बैठी हूँ, अभी खाना नहीं खाया है मैंने, कि अर्जुन लाएगा कुछ ना कुछ। क्या लाया बता। तो दोस्तों यहाँ पर अर्जुन लाया है हमारे लिए, क्या लाया है? मिल्क केक लाया है अर्जुन। तो इसको तो तीन ही पीस आएंगे बेटा, तो ये तो काफी महंगी होती है बेटा, इसके तो आने ही तीन पीस थे। तो देखिए भाई, अगर आप लोग ना पूरा दिन खेतों में काम कर रहे हैं और आपको कुछ मीठा मिल जाए ना खाने के लिए, तो फिर तो बात ही क्या है। और मेरे साहब जी काट रहे हैं अभी नीचे वाले भिंडी के खेत से मक्की, क्योंकि यहाँ पर ना दूर दूर रह गई थी मक्की, तो इसको निकाल रहे हैं अब। चलिए जी, हमारे खेत जो है मक्की के सारे खत्म हो चुके हैं काट के, और मक्की निकाल के तो वहाँ रह गई है नीचे अभी भी मक्की। हो देखो क्या डाला आपने बोरी में, और ना अभी ये वाले बोरियाँ रह गई है हमें ले जाने के लिए, तो थोड़ी एक दो तीन ना हम गौशाला के पास छोड़ के आए हैं। और अर्जुन जा रहा है घर, ये करेगा घर में पढ़ने का काम, और अभी तो हमें ना काम है, अभी हम मक्की ढोएंगे, उसके बाद उन वाले खेतों का छलेटा जो है हमें पेड़ों पे रखना है। बोर दूँ भी हमने इस वाले पेड़ में रखा छलेटा, और साथ में इस वाले पेड़ में, और अभी इस वाले खेत का जो है छलेटा वो हम पर लगा रहे हैं ढेरी। तो अभी ना इन सभी खेतों की जो है छलेटा इकट्ठा करने के लिए है। तो यहाँ पर ना नेपालियों ने आधा जो है छलेटे को ऐसे ही छोड़ दिया है, बांधा नहीं है इसको। तो अभी ना ये छल्ली लेके जाएंगे सुबह, और अभी ये वाला खेत रह गया निकालने के लिए, और साथ ही साथ अभी शाम भी होने ही वाली है, तो टाइम ना शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो चलिए भाई चलते हैं अभी घर के लिए। हैं लाइट लगाओ घर की, तो नहीं घर की नहीं था, क्या करना, फुल टैंक ले लेने काला और ऊपर ये डाल देंगे। नहीं नहीं बसेड़ा पाया करना था, कल भी आएगा पैडिया डालना है, काम करना सा। बारी है टॉर्च की, तो वीडियो बनाने मेरे साहब जी का पसीना देखो आप, पकड़ पकड़ी जिजला भैया। और खुद देखो तो हम घर में पहुंच चुके हैं, और मम्मा बना रहे हैं यहाँ रोटी, और मक्की को जो है भुनना जा रहा है चूल्हे में। आप बोलना चाहोगे कुछ? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मैं थक चुकी हूँ काफी ज्यादा। और ये हैं पापा, आप बोलना चाहोगे पापा कुछ? आप बोलना चाहोगे कुछ पक्का? अभी मैं रोटी बनाने के साथ साथ मक्की को भी चूल्हे की आग में अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि अभी ना ये हमारी इस सीजन की लास्ट लास्ट मक्की है, तो फिर ना अगली साल ही खाएंगे हम, तो इसलिए हम खाएंगे अभी अच्छे से मक्की। चलिए जी, अभी हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और खाना वगैरह हमने खा लिया है, और चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, शुभरात्रि, और आप सुबह अपना ख्याल रखना।